हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान यानी साइंस का चौथा चैप्टर वस्तुओं के समूह बनाना। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका विज्ञान के अंतर्गत चौथा पाठ वस्तुओं के समूह बनाना। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ का सारांश, कुछ मुख्य और महत्वपूर्ण बिंदु और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अब जान लेते हैं सबसे पहले पाठ का सारांश, कुछ मुख्य बिंदु जिन्हें आप अच्छे से याद कर लें। पहला, हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। ठीक है, जो आपके चारों ओर जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं ये सभी जो है अनेकों प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। याद रखेंगे ना, जिन पदार्थों को आप आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं या जिन्हें जो है खरोच सकते हैं वे क्या कहलाते हैं, कोमल पदार्थ। उसके बाद अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है वे कहलाते हैं कठोर पदार्थ। उदाहरण के लिए रुई तथा स्पंज कोमल हैं जबकि लकड़ी कठोर है। तो आई बात समझ में, उदाहरण देखकर आपकी समझ में आ रहा होगा बच्चों कि जो पदार्थ जो है कितने प्रकार के होते हैं, कोमल और कठोर अलग अलग होते हैं। और दोनों जो है कोमल पदार्थ जैसे कि स्पंज हो गया, रुई हो गई, जिन्हें आप जो संपीड़ित कर सकते हैं, जिन्हें खरोच सकते हैं ये कहलाते हैं कोमल पदार्थ। और कुछ कठोर पदार्थ होते हैं जैसे लकड़ी आदि। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आप याद रखेंगे, जो पदार्थ जल में पूर्णतः घुलकर लुप्त हो जाते हैं जल में विलेय कहलाते हैं। अन्य पदार्थ जो जल के साथ मिश्रित नहीं होते अथवा लुप्त नहीं होते जल में अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। याद रखेंगे, चौथा पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, जैसे कांच, जल, वायु और कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। तो याद रखेंगे ना आप, पारदर्शी क्या होते हैं, जिनसे आर पार देखा जा सके, जैसे कांच हो गया, जल हो गया, वायु हो गया और कुछ प्लास्टिक के पदार्थ भी होते हैं जिनसे आप आर पार देख सकते हैं, इन्हें कहते हैं पारदर्शी। इसके विपरीत कुछ पदार्थ जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते इन्हें कहते हैं अपारदर्शी। और जैसे कि लकड़ी का बॉक्स हो गया, गत्ते का डिब्बा हो गया और धातु के कुछ पात्र आप ले सकते हैं, इनसे आप आर पार नहीं देख सकते तो इन्हें क्या कहते हैं, अपारदर्शी। और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख पाते, उन्हें कहते हैं पारभासी पदार्थ, जैसे कागज़ पर लगा हुआ तैलीय धब्बा या तेल का धब्बा। इससे क्या होता है, आपको दिखाई तो देता है लेकिन पूरा स्पष्ट या क्लियर दिखाई नहीं देता, ऐसे पदार्थों को कहते हैं पारभासी पदार्थ। अगला पॉइंट है बच्चों, किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है, यानी कि अलग अलग पदार्थों को जोड़कर भी आप किसी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पदार्थ से एक वस्तु का निर्माण होगा। अगला पॉइंट है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि कुछ नहीं होते, कुछ खुरदुरे होते हैं, कुछ अन्य चिकने होते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ कोमल लगते हैं। याद रखेंगे, यहाँ पर जो है पूरी जानकारी दी जा रही है पदार्थों के बारे में। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं, कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होते हैं, कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जा सकता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। ठीक है, तो ये था इस पाठ का सारांश आप कह लीजिए, और चाहे तो कुछ महत्वपूर्ण और मुख्य बिंदु जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं तो आप इन्हें जो है अच्छे से याद करेंगे। पदार्थों के बारे में ये सारी जानकारियाँ आप याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जान लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहले आपका जो है अभ्यास प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो ये तो आपके लिए बहुत सिंपल है बच्चों, आप सभी जानते हैं मेज़, कुर्सी, पलंग, दरवाजे या बैलगाड़ी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए।
तो कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच और सूती कमीज। ठीक है, तो इनमें से आपने क्या करना है, चमकदार पदार्थों का चयन करना है। कौन कौन से हैं, तो उत्तर में आप लिखेंगे कांच की प्याली और स्टील का चम्मच, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान अन्य पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है आपके लिए वस्तुएं दी हुई है और दूसरी साइड में पदार्थ आप देख रहे हैं, यहाँ पर वस्तुएं और यहाँ पर पदार्थ, और यहाँ पर वस्तु में पुस्तक, गिलास, कुर्सी और आगे खिलौना और जूते। पदार्थ में कांच, लकड़ी, कागज, चमड़ा और प्लास्टिक। तो इनका मिलान करना आपने किस प्रकार से, तो उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, ये आपका उत्तर हो जाएगा। पहले लिखेंगे वस्तुएं, फिर लिखेंगे पदार्थ और पुस्तक के साथ, कागज और गिलास के साथ, कांच या प्लास्टिक, कुर्सी के साथ, लकड़ी प्लास्टिक और खिलौना के साथ आप जोड़ सकते हैं लकड़ी प्लास्टिक, और जूता चमड़ा या प्लास्टिक, इसी चीज़ का होता है ना, जूता चमड़े का होता है या प्लास्टिक का होता है। तो इस प्रकार से आप जो है वस्तुओं के साथ पदार्थों का मेल कर सकते हैं, आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है यहाँ पर चौथा, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। तो जो यहाँ पर जो आपको बातें बताई जा रही हैं, जैसे कह खै गह है, तो ये सत्य हैं या असत्य हैं, आपको ये सब यहाँ पर बताना है। तो पहला है, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। तो क्या लगता है आपको, ये सत्य है या असत्य है बच्चों? पत्थर से क्या आप आर पार देख पाते हैं, क्या ये पारदर्शी होता है? चलिए उत्तर क्या होगा यहाँ पर, अभी आपको बताते हैं, आप सोचिए तब तक। और खै है, नोटबुक में युति होती है जबकि रबड़ इरेजर में नहीं होती। अगला है, चौक जल में विलीन हो जाता है, होता है कि नहीं होता? और लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है या नहीं तैरता? चीनी जल में विलीन नहीं होती और तेल जल के साथ मिश्रणीय है। इसी प्रकार से बालू यानी रेत जल में निस्सादित हो जाता है, सिरका जल में विलीन हो जाता है। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं, क्या आपको लगते हैं कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य? चलिए उत्तर जान लेते हैं। उत्तर आप किस प्रकार लिखेंगे, उत्तर आप लिखेंगे कह वाले का, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है, ये क्या है? असत्य। क्या ये? असत्य, क्योंकि पत्थर से आप आर पार नहीं देख सकते, ये पारदर्शी नहीं हो सकता जबकि कांच पारदर्शी होता है, होता है कि नहीं होता? कांच से आप आर पार देख सकते हैं, तो ये क्या है? पारदर्शी होता है। तो यहाँ पर क्या है? असत्य है, ये झूठ है। और अगला है, नोटबुक में द्युति होती है जबकि रबड़ इरेजर में नहीं होती, यहाँ पर भी असत्य लिखेंगे आप। और चौक जल में विलीन हो जाता है, आप जल में चौक को मिलाकर देखें नहीं मिलेगा, तो ये क्या है? असत्य है। और इसी प्रकार से लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, तो ये सत्य है, आप लकड़ी के टुकड़े को जल में डालकर देखें वो तैरने लग जाएगा, तो ये क्या है? सत्य है। चीनी जल में विलीन नहीं होती, ये असत्य है क्योंकि चीनी जल में घोलते ही घुल जाती है, विलीन हो जाती है, तो यहाँ पर असत्य लिख देंगे। और तेल जल के साथ मिश्रणीय है, आप जानते हैं कि तेल और जल का मेल नहीं होता, तेल जल में नहीं घुलता, तो इसलिए असत्य है। बालू या रेत जल में निस्सादित हो जाता है, तो ये सत्य है। और इसी प्रकार से सिरका जल में विलीन हो जाता है, ये भी सत्य है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ से देख के, सबके साथ सत्य और असत्य आप यहाँ से देख कर लिखें। अगला प्रश्न है बच्चों, पांचवा प्रश्न है, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा, इनको इस प्रकार समूहित कीजिए। और किस प्रकार से, यहाँ पर जो है गोल आकृति तथा अन्य आकृतियों में, और यहाँ पर खाद्य अखाद्य, दो तरह से आपने इन्हें जो है बनाना है। तो आप सबसे पहले कह का लिखेंगे, गोल आकृतियाँ कौन कौन सी होती है? बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब, सेब और मिट्टी का घड़ा। दूसरा लिखेंगे आप अन्य आकृतियाँ, पानी और जल, पानी और चीनी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखते जाएं। खै वाले में लिखेंगे खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं, पानी, संतरा, चीनी और सेब, जबकि अखाद्य में बास्केटबॉल, खा सकते हैं क्या आप बास्केटबॉल को? नहीं ना, तो अखाद्य में लिखेंगे बास्केटबॉल, ग्लोब और मिट्टी का घड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों, कौन सा प्रश्न ये, पाँचवा और उसका उत्तर। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर छठा प्रश्न है, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। आप जानते हैं जल में तैरने वाली वस्तुओं को, जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। तो उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, उत्तर लिखेंगे लकड़ी का टुकड़ा, कागज, गुब्बारा, गेंद, प्लास्टिक की बोतल, नाव आदि पानी पर तैरेंगे। इनमें से कुछ जैसे गेंद, गुब्बारा, मिट्टी के तेल या तेल पर तैर सकते हैं। कुछ प्रकार की लकड़ियाँ तेल की तुलना में अधिक भारी होती हैं लेकिन पानी से हल्की होती हैं, इसलिए आप पानी पर तैरती हैं लेकिन मिट्टी के तेल पर नहीं।
तो इस प्रकार से आप जो है अपने इस छठे प्रश्न का उत्तर यहाँ से देख के लिखें और इसे याद करें बच्चों। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। तो कौन सा मेल नहीं खाता उसे आपने लिखना है। और कह है कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। और खह वाला है गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। गह वाला है एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। और घह में लिखा है चीनी, नमक, रेत, कॉपर, सल्फेट। तो यहाँ पर जो है उत्तर में आप क्या करेंगे, उत्तर आप इस प्रकार से बोलेंगे। यहाँ पर कह वाले में लिखेंगे बच्चा, यहाँ बच्चा जीव है जबकि शेष निर्जीव वस्तुओं यानी लकड़ी से बनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कह वाले में बच्चा अलग है, बाकी सब की सब क्या है, लकड़ी से बनी हुई निर्जीव वस्तुएं हैं, तो यहाँ पर बच्चा अलग है। तो इसी प्रकार से कह का उत्तर हो जाएगा बच्चा। और खह में लिखेंगे नाव, क्योंकि शेष सभी फूल हैं। और रेत पर, क्योंकि शेष सभी धातुएं हैं। और रेत में, क्योंकि शेष सभी क्रिस्टल रूप में हैं। तो इसके अतिरिक्त रेत को छोड़कर शेष सभी पानी में घुलनशील हैं। तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 6 विज्ञान यानी साइंस के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी प्रकार लगातार जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे अपने कक्षा 6 विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर हमारे साथ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ और नए प्रश्नोत्तरों के साथ।